एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। भाजपा प्रत्याशी के काफिले में शामिल पुलिस स्कॉर्ट लिखी गाड़ी ने दो युवकों की छीनी सांसें, एक महिला की हालत गंभीर। जी हां, आपको बताते चले कि गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी कैंडिडेट करणभूषण सिंह, जो कि भाजपा सांसद रह चुके ब्रजभूषण सिंह के बेटे के काफिले की फॉर्चूनर कार ने बाइक में टक्कर मारकर करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र बैकुंठ डिग्री कॉलेज के पास तीन लोगों को रौंद डाला। मौके पर ही दो की कुचलकर मौत हो गई। हादसे में एक महिला घायल है। हादसे के बाद कटरा बाजार, परसपुर, कौड़िया व करनैलगंज थाने की पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। करनैलगंज हुजूरपुर मार्ग पर करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। SDM अपर पुलिस अधीक्षक CO करनैलगंज व CO सिटी के सामूहिक प्रयास और मुकदमे के आश्वासन के बाद आक्रोशितों ने जाम हटाया। जी हां, आपको बताते चले कि हादसा कैसे और कब हुआ। करणभूषण के भारी भरकम काफिले में चल रही पुलिस स्पोर्ट फॉर्चूनर गाड़ी ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। निंदुरा निवासी रेहान खान 21 वर्षीय और शहजाद खान 20 वर्षीय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं सड़क के किनारे जा रही छतईपुरवा निवासी सीता देवी 60 वर्षीय को भी टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल है। उसे मेडिकल कॉलेज गोंडा के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, चक्का जाम और युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ना ले जाने की जिद पर अड़े लोगों से पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। काफी जद्दोजहद के बीच पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भीड़ ने मौके पर खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी को फूंकने का प्रयास भी किया। गाड़ी पर पुलिस स्कॉर्ट लिखा है और काफिले में यह साथ चल रही थी। आज दिनांक 29/5/2024 में समय लगभग 9 बजे थाना करनलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के दो व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC करनलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की। जिला गोंडा से संवाददाता अशोक कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।